नाज़रीन आदाब, एस इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं शरीफ अहमद शरीफ। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का नहीं होता। वक्त पड़ने पर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में किसी नेता का जाना कोई नई बात नहीं है। इस वक्त कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, एक सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम के हवाले से ऐसी ही कुछ खबरें चल रही हैं कि वो अब कांग्रेस का हाथ छोड़ जेडीएस का हाथ थामने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला क्या है, बराए रास्त हम सीएम इब्राहिम से बात करते हैं। तो आज की हमारी खास रिपोर्ट में, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम मुलाकात करते हैं सीएम इब्राहिम से। तो आइए बात करते हैं सीएम इब्राहिम से। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले इस वक्त जो हवा गर्म है आपके ताल्लुक से कि आप एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहने के बावजूद अब कांग्रेस को अलविदा कहकर आप जेडीएस ज्वाइन कर रहे हैं, इसके हवाले से आप मुख्तसर बताएं। देखिए, मैं अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दिन का सबका है, अरे मेरी कौम की दुआ है, वक्त का इंतजार करता हूं जी। जब वक्त आता है तो भी जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाता हूं। जहां तक कांग्रेस छोड़ने का सवाल है, जेडीएस ज्वाइन करने का सवाल है, अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है जी। शूरा से मशूरा कर रहा हूं, खौम को पहले एतमाद में ले रहा हूं कि भाई आगे क्या करना है। मैं ये करूंगा तो आप मेरे साथ आएंगे क्या, आपकी मुकामी हालत क्या है, क्या करने से आपको फायदा होगा, ये उनसे पूछ रहा हूं। अवाम से पूछ जा, क्योंकि उन्हीं के फायदे के लिए कर रहा हूं। जब उनको फायदा नहीं पहुंचता तो फिर मेरे करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कांग्रेस से इस वक्त मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंच? बिल्कुल, फायदा पहुंचने के बजाय नुकसान हो रहा है, नंबर वन। नंबर दो, जो इज्जत मिलनी थी, जो विकार था, देखिए हम 16% है, 7% वाला चीफ मिनिस्टर बन रहा है, हमने कहा बने दो कि हमको रियासत के अंदर बचाना है। हम कहते रह रहे थे बनने दो, बना रहे हैं तो कम से कम आप उसको तस्लीम तक नहीं कर रहे हैं। कह रहे कि मैंने मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है, उन्होंने किया है, तो आप एमएलए को नहीं बना सकते, चीफ मिनिस्टर भी बना सकते, लेकिन पार्टी का प्रेसिडेंट आज तक कोई मुसलमान बना है? जब हम अंदर ये बात कहते हैं तो कोई बनाओ कहते नहीं 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 नहीं, वो हम सोच नहीं सकते। क्यों? कि सिर्फ हमसे वोट देने के लिए है। क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन मुसलमान बन नहीं सकता? आज काउंसिल में, आज भी इलेक्शन अगर हुआ तो मैं लीडर बन सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन हो नहीं रहा है वहां पर। ये सोच आप बरसों से लेकर चल रहे हैं और लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आम मुसलमानों को आपने हमेशा यह पैगाम दिया है कि अपना विकार समझकर अपने एक पोजीशन बनाने की कोशिश करें, इसके बावजूद कौम में वो बेदारी नहीं आई, तो आपको लगता है इस वक्त आपके इस फैसले से कौम को वो मकाम मिल जाएगा? बेशक, 90/5, 90/6 आपके सामने है, 96 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, मुसलमानों का क्या हाल थी, क्या चीजें मिली क्या नहीं मिली, 4% रिजर्वेशन नौकरी में मिली, 4% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिली, वॉक बोर्ड ग्रांट्स बढ़ा, माइनॉरिटी ग्रांट बना, सबसे पहले सुकून था, मुसलमान खाने चीज पीने की चीजों पर पाबंदी नहीं थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। आज का डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। कोरोना आता है तो कहते मुसलमान से बात आ रहे, कभी कहीं कुछ फटता है तो कहते मुसलमान से बात आ रहे। लेकिन कांग्रेस तो नहीं कही, कांग्रेस तो उसका जवाब देने तक तैयार नहीं है। एनआरसी में मैं अकेला फिरता रहा, 120 मीटिंग किया हमें, ये लोग आए नहीं। तो ये आपके अभी जेडीएस में जाने से क्या मुसलमानों का भला हो सकता है? कोशिश हमारी है, देखिए अगर उतनी सीट अगर आ गए, हुकूमत बन गई, और मुझे अपने आप के ऊपर यकीन है, एतमाद है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, कोशिश करो। उसी भरोसे के साथ आप अपनी कोई अलग सी पहचान क्यों नहीं बना सकते? मुश्किल है, इनके जो है हमसे 3 आने हैं, 13 आने को एक तरफ करेंगे, अगर 3 आने को एक तरफ करेंगे तो 13 आने खुद को एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन कोशिश होनी चाहिए, पहले तो आप जैसे कदावर नेता से होनी। बिल्कुल, कोशिश करने से नतीजा क्या होता है सामने है। मुस्लिम लीग 50 साल से कोशिश की, खमरुल इस्लाम बनी नहीं, तो खुद वो जब मेन स्ट्रीम में आए तो एमपी बने, हैदराबाद कर्नाटक में काफी काम लिए, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी जो है वही जीत रहे हैं जहां 90% मुसलमान है।
हैदराबाद में वो 7 से 8 नहीं बने, क्यों नहीं वहां पर ये खुद कोशिश, 50 साल की उनके बाप के जमाने से कोशिश है, 70 साल से कोशिश करके आप साथ ही है कि आप तेलंगाना में हुकूमत बना सके, क्या आप कोशिश कर सके? नहीं तो ये इसमें, हालांकि मैं ओवैसी को कमजोर करना नहीं चाहता हूं, मैं आज तक ओवैसी को पब्लिक में कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया हूं, वो अपनी जगह है, कर रहे हैं, करने तो मेरे दोस्त के बच्चे हैं, उनके वाले साहब से बड़ी दोस्ती थी हमारी, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप खाओ लेकिन खाने की चीज को खराब मत करो। अब 5 सीट जहां 90% थी वहां आप जीत गए, अलहमदुल्ला बड़ी खुशी की बात, लेकिन जो 20 सीट का नुकसान हुआ वो तेजस्वी का, उससे नीतीश कुमार को बीजेपी को फायदा हुआ, ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो कपड़ा आप जाली पे डाल दिए हैं, खींचते वक्त अगर कांटे की जाली है तो कपड़ा फट जाएगा, कांटे का नुकसान नहीं होगा, तो उसे किस तरह से उस कपड़े को कांटों से अलग करके निकाल सकते हैं, ये भी एक तदबीर है। तो जेडीएस आप ज्वाइन करेंगे, अभी आपका फैसला नहीं, हो सकता आने वाले दिनों में आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन जहां तक जेडीएस का मामला है, हाल ही में कुमार स्वामी का एक बयान आया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीछे पड़ने की वजह से जो है जेडीएस को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे जब बयान सामने आ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में जेडीएस अब कांग्रेस के साथ नहीं बीजेपी के साथ अलायंस करेगी, उस वक्त आप किस तरह से वहां पर जो हालात का सामना कर? देखिए, स्टेरी अगर मेरे हाथ में है, बांटने की चाबी अगर मेरे हाथ में है, अपना आदमी कौन से मजलिस में बैठ रहे हो, बांटने का मेरा काम है, बांटने वाला अपना है तो काम बैठे तो क्या बोलते हैं ना महावीरा है। जेडीएस को कांग्रेस के मिलने से नुकसान हुआ, उनकी वो बात सच है, जिस तरह से दोनों पार्टी मिलकर इलेक्शन करना था उस तरह से नहीं की, इगोइज्म था। आज भी अगर इलेक्शन हुआ, कल भी अगर इलेक्शन हुआ, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती कर्नाटक में, फिर कोलिशन ही होगा, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो। नहीं, बीजेपी क्यों ना हो, डिपेंड करता है वक्त पे, वक्त पे डिपेंड करता है। अब कई जगह मुस्लिम जो है बीजेपी को भी वोट दिए, सिरा में पर्सनल इलेक्शन हुआ बीजेपी को वोट दे दी, यशवंतपुर में इलेक्शन हुआ बीजेपी को वोट दे दी, कि बोले नहीं साहब मुखामी ने हमारे साथ अच्छा है हम वोट दिए। अच्छा, एक दौर में मुसलमान को 90% वोट दिए मुस्लिम येडियुरप्पा को, 45,000 से जीता था वो, क्यों? क्योंकि वही देखना है कि मेरे कौम की मुखामी हालत क्या है, उनको सुकून से जिंदगी जीना है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ नहीं आना है, इसका भी ख्याल रखना मेरा काम है। एक चीज मैं करते आ रहा हूं, तो ये जो है इसलिए मैं दौरा कर रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं बीजेपी मुक्त एक हुकूमत बने कर्नाटक के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होऊंगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक आप मशीन नहीं निकालते तब तक जो है आपको 100% जीतेंगे ये मुमकिन नहीं है। मशीन में गड़बड़ है, घोटाला है, दुनिया तस्लीम कर चुकी है। ये 2014 से चल रहा है। बिल्कुल नहीं, 2000 के पहले भी था ये, लेकिन मामला खुलकर 2014 में बिल्कुल आया, तब से लेकर कांग्रेस में, और आप भी कांग्रेस का हिस्सा थे, आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया? क्या बोल बोल के बस हो गए हम? लेकिन ऊपर पार्टी पावर भी तो कोई चीज है, ऊपर भी पार्टी है ना, समझना चाहिए। राहुल गांधी आते ही इलेक्शन में आके होते ही आके मुबारकबाद दे दी, उनको मुबारकबाद देने की वजह यह कहना था कि भाई मशीन से तुम जीते हो ये गलत है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो उस वक्त जो है गड़बड़ शुरू हो जाती। मायावती भी कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम कह रहे हैं, लेकिन किसी को एक जगह बैठ के बिठा के इसी मुद्दे के ऊपर सिर्फ बैलेट चाहिए हमको जो है मशीन नहीं चाहिए ये आप, जबकि दीगर तंजीमें इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जहां पर राहुल गांधी हो सोनिया गांधी हो ये खामोश,
इनकी खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर रही है। खैर ये सब सियासी बातें अपनी जगह, आप अक्सर एक कौम का दर्द रखने वाले हैं, अक्सर आप माइनॉरिटी को लेकर मुखातिब होकर बहुत बयान दिए और खासकर मुसलमानों के हवाले से मुत्तहिद होने का जो मैसेज आपने दिया है शायद ही किसी कांग्रेस के नेता ने दिया हो। तो इस वक्त सियासत अपनी जगह है, मुसलमानों को, मुसलमानों का किरदार क्या होनी चाहिए इस वक्त, उनका क्या किरदार होना चाहिए, इसके हवाले से आपका क्या मैसेज देना है? मुसलमान का किरदार ये सबसे पहले इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन वही इत्तेफाक मुझे क्या मिला इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बचना है। मुझे एमएलए मिले, चेयरमैन मिले, नहीं मिले वो सवाल नहीं है। अब देखिए, अगर आप जेडीएस जाना पड़ेगा तो 4 साल की कुर्सी है मेरी, वो छोड़ना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, क्योंकि कोई पंचायत की मेंबरशिप छोड़ने तैयार नहीं होता है। हम महीना इतनी सहूलत, 2-3 लाख रुपए, हर चीज, हर सहूलत एमएलसी मिल रही है। आपको सामने से ऑफर है या आप छोड़ रहे हैं? कौन सा? जेडीएस की तरफ से। दोनों है। वो लड़का लड़की जब दोनों दिल मिलते हैं तभी तो ना शादी होती है। कोई एक तरफा तो नहीं होता निकाह, जब दोनों मिलते हैं तभी तो निकाह होता है। तो इसलिए मैंने कांग्रेस वालों को भी कहा है, देखो ये चीज आपकी गलतियां है, इसको आप ठीक करोगे ठीक कर लो, नहीं करोगे तो फिर आपको आगे जो है इकदाम उठाना होगा। तो इसलिए जो है ये सफर शुरू किया हूँ। अशोक कुमार भी आए, काफी देर तक बातचीत करके गए, दिल्ली से भी आ रहे हैं, वो भी बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई दरवाजे खुले, मैं बंद गली में नहीं हूं, मैं हमेशा उसी गली में जाता हूं जिस गली से निकलने के रास्ते हो। कभी भी मैं बंद गली में दाखिल नहीं हुआ हूं, गली में दाखिल होने के पहले ही देखता हूं मैं रास्ते आए क्या दूसरे निकलने के। तो वो रास्ते ये मेरे लिए नहीं, मेरी खौफ के लिए तलाश कर रहा हूं कि खौफ का विखार रहे, खौफ की इज्जत रहे, उस बाजार में आए चाहे तहसील गए चाहे स्टेशन गए, उसको लोग इज्जत की निगाह से देखें। इंशाल्लाह कोशिश है, देखें, कोशिश करना हमारा काम है, दुआ खौफ कर रही है, कामयाबी देने वाला रब्बुल आलमीन है। लेकिन सबसे पहले मैं खौफ से यही कहता हूं कि मैं अल्लाह को मजबूती से पकड़ो। कोरोना आ गया, सब बुरखा बैन कर रहे थे, मर्द भी बुरखा पहन के फिर रहे। फ्रेंच का प्रेसिडेंट, उसको भी कोरोना आया, कुदरती वबा है, मस्जिदें बंद हो गई, इसका मतलब अल्लाह हमसे नाराज है। तो अल्लाह को बनाओ, दुनिया 60 साल 70 साल 80 साल जाना है, मौत का डर, खुदा का सामना करना, जिस दिन ये चीज मुसलमान के दिल में आ जाएगी ना, मुसलमान फातेहल खौल में होगा दुनिया के अंदर। देखिए मुसलमान को उसी वक्त आया है, खुदा के सामने झुकना इसने छोड़ दिया तो ये सारे के सामने झुकने का वक्त आ गया है। किसी को खराब मत समझो, पानी खराब है, पीने के लायक नहीं आता, उसको जाया मत करो, आग के बुझाने के काम आता है वो। खौफ के जाहिल में है, उसको जाहिल करके दूर मत करो, साथ रखो, पता नहीं वो किस वक्त किस काम पे आ जाएगा। तो इसलिए हम, मेरी कोशिश जो है, मैं सिर्फ सियासी पैगाम में नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ भी बुलाता हूँ, आ जाओ, तुम पे वो नाराज है, जिस दिन वो राजी हो जाएगा दुनिया की ताकत तुमको कुछ नहीं कर सकती। मोदी आज बैठा है अल्लाह की मर्जी के बगैर बैठा है क्या? हम इस बात को मानते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, बेशक मौत का नाम खत्म होना ही नहीं है, मौत का नाम मुंतकिल होना है, इस घर से उस घर को जाने का नाम ही मौत है, वहां भी वो जिंदा है। खुदा ताला जिनको जितने इख्तियार दिया है वो इख्तियार के तहत काम कर रहे हैं। तो आज जब वो बैठा है तो हमको सोचना चाहिए कि भाई वो आया क्यों, वजह क्या है। आप इसकी वजह को अगर आप तलाश करते जाओ तो वजह आता है कि बस खुदा है, हमारी वजह से मोदी आया है। अगर हमें मजबूती से उसको अगर पकड़े रहते तो आज हमारे जबान पर तासीर होती। एक दौर अवसर था, कोई एक बुजुर्ग ये 4 कुरान के कलमात पढ़ के फूकते
तो मरा हुआ भी जिंदा होकर बैठता, आज फूको तो जिंदा भी मर जा रहा। क्यों? फूकने वाला भी कमर्शियल हो गया, फुकाने वाला भी कमर्शियल हो गया। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, एक बहुत ही अच्छा पैगाम भी आपने दिया और सियासी हालात के साथ साथ कौम को एक मैसेज भी दिया, हमेशा मैसेज देते रहते हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हमें बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो है आप बेबाकी के साथ, हालांकि सारा मीडिया मोदी के हाथ में है, आप सोशल मीडिया के तहत जो ये कर रहे हैं, ये हक को दूसरे तरफ पहुँचाना ये भी नेकी का काम है, चाहे इसमें आवाम आपको साथ दे ना दे ये मत देखिएगा, काफी दिक्कत होगी, काफी तकलीफ होगी, इसके बावजूद आप ये काम कर रहे हैं। और मेरी आवाम से भी अपील है कि ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क को आवाम मदद करे। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपने अतराफ व अखनाफ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए यस इंडिया।